नमस्कार दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बात करने वाला हूँ कि प्रश्नावली 8.1 का एनसीईआरटी का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर दिया और पी आर का मान यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया, लेकिन क्यू आर का मान यहाँ पर नहीं दिया गया। तो अब सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे, हल या सोलूशन दोनों लिख सकते हैं। यहाँ पर पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इसलिए पाइथागोरस परिमेय से आपको पता होगा आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सॉरी आधार स्क्वायर इक्वल टू होता है, आधार बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, ये वाला कर्ण कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा, ये आधार हो जाता है। तो कर्ण कितना है, 13 का होल स्क्वायर होगा माइनस लंब कितना है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर होगा, 13 का होल स्क्वायर होगा 169 और 12 का होगा 144। तब दोनों से अगर माइनस कीजिएगा तो 25 आएगा, और जब 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना हो गया, पी क्यू इक्वल था 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू था 13 सेंटीमीटर और यहाँ पर आधार कितना था, क्यू आर, तो क्यू आर इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर आधार, यहाँ पर क्यू आर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसलिए प्रश्न से, यहाँ पर प्रश्न में है टेन पी माइनस कोट आर। तो देखिए यहाँ पे टेन पी इक्वल टू होता है लंब बटा में आधार होता है, ठीक है, माइनस कोट, कोट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे कोट का फार्मूला होता है यहाँ पर आधार बटा में लंब होता है। चलिए यहाँ पे अब देखिए टेन का थीटा का स्थान पर पी है, ठीक है, तो पी को यहाँ पर देखेंगे, पी पी यहाँ पर है, तो यानी कि इसके सामने वाला ये लंब हुआ, इसके सामने वाला ये लंब हुआ, तो लंब कितना चाहिए, लंब यहाँ पर कितना है हम लोग का, 5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर 5 हो गया और आधार कितना, जब लंब यह हुआ तो आधार ये हुआ 12, यानी कि 5 बटा में 12, यहाँ पर 5/12 माइनस, देखिए यहाँ पर कोट का जो थीटा है ये आर है, तो यहाँ पर आर चलेंगे, आर है तो आर के सामने वाला ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये कर्ण पहले से ही रहता है, तो देखिए ये सामने वाला लंब हुआ तो यहाँ पर लंब यह हुआ तो आधार कौन हुआ, ये, तो हम लोग को क्या चाहिए, आधार बटा में लंब, तो आधार 5 हो गया और लंब कितना हो गया 12, 5/12। देखिए आपको ये पता होगा कि जब एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है तो कट जाता है, तो यहाँ प्लस छुपा है और यहाँ पर माइनस, ये दोनों कट गया था, इक्वल टू कितना हो गया 0। तो इस तरीका से फ्रेंड्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, आपका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।